हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है, क्यों? यहाँ से हम न्यूमेरिकल आपको सिखाएंगे, ओके। और थ्योरी के पर्पज से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करना सिखाएंगे तो आपको सबसे पहले सिखाएंगे कि जो शाखा खाते हैं उसका नमूना कैसे बनता है, ओके। तो आज हम आपको नमूना कैसे बनता है वो, और न्यूमेरिकल्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, ये सिर्फ चार पॉइंटों में सीखोगे। अगर ये चार पॉइंट आपने ध्यान से समझ लिए तो समझ लो कि इसके न्यूमेरिकल के जो मार्क्स हैं वो आपके 100% पक्के। क्यों? क्योंकि चार पॉइंट इतने इजी तरीके से समझाऊंगा कि चार इधर के और वो ही उलट के चार इधर आ जाएंगे। तो सिर्फ चार वर्ड ही तो हैं जो आपको सही से समझना है, तो न्यूमेरिकल इसके बहुत सरल हैं, टफ नहीं है, ओके। और इस चैप्टर का मैं आपको बता दूं अर्थ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वीडियो अपलोडेड है, अर्थ, शाखाओं के प्रकार और शाखा व्यापार के उद्देश्य अथवा लाभ, ये बहुत पूछा जाता है, सर्च कर लेना या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख लेना, ओके। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं भाई शाखा खाते का नमूना, जिसको हम कहते हैं फॉर्म ऑफ ब्रांच अकाउंट। ये कई बार पूछ भी लिया गया है, और जब जब नमूना पूछा गया तो बच्चे उसमें क्या करके आए कि इसी तरह का बस एक फॉर्मेट खींचाए और छोड़ आए, बल्कि थोड़ी सी अगर बुद्धि लगा लेते तो उनके लिए पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते थे। देखो किस तरह से स्टार्ट करेंगे, यहां पर सबसे ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। जब भी हम ब्रांच अकाउंट बनाते हैं या उसका नमूना बनाते हैं तो बनाते किसकी पुस्तकों में यार? देखो शाखा खाते जब भी बनते हैं तो बनते हैं हेड ऑफिस में, ठीक है, हेड ऑफिस की पुस्तकों में। कौन सा फॉर्म बनाएंगे हम? ब्रांच अकाउंट ऑफ, और ब्रांच का नाम होता है, ठीक है, ब्रांच का नाम कोई एक्स वाई जेड जो भी हो वो डाल दिया जाता है, यानी ऊपर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, फिर उसके नीचे ब्रांच अकाउंट, और फिर डेट लिख दी जाती है जिस डेट को भी हम बना रहे होते हैं वो डेट आ जाती है। जैसे एज ऑन 31 मार्च 2022 मैंने डाल दी है, या कोई और डेट हो सकती है, 30 जून हो सकती है, ठीक है, 30 सितंबर हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्योंकि ब्रांच अकाउंट जहां शब्द आ जाए डेबिट क्रेडिट में बनता है, पार्टिकुलर अमाउंट, इसके अलावा इन खातों में कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये डेबिट का पार्ट हो गया और ये क्रेडिट का पार्ट हो गया। कौन सा किस में जाएगा यहीं से पता चलता हुआ चला जाएगा। देखो चार चीजें कौन कौन सी हैं वो जब मैं सिखाता हूँ न्यूमेरिकल, तो मैं बच्चों से ये कहता हूँ बस चार चीज़ों का ध्यान रखना इस चैप्टर में, और चार से ही पूरा जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। वो चार बातें कौन कौन सी हैं देखो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक नंबर पे, वैसे यहाँ डालना नहीं नंबर आपके लिए, मैं बाहर डाल दूँ नंबर, ये अपनी एक ट्रिक होती है। नंबर एक पे ओपनिंग बैलेंस डाला जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ। देखो दो चीज़ें होती हैं जब हम बिजनेस चलाते हैं, तो एक तो असेट्स होती हैं, दूसरी लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक है। तो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के ऊपर ये पूरा फॉर्मेट बनता है, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसकी पड़ेंगी यहाँ पर? असेट्स की पड़ती है, ठीक है। जब ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स इधर आ गया तो असेट्स का ठीक उल्टा साइड ही तो वो है, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? बाई, सॉरी यहाँ टू और शब्द यूज करना था, टू, ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स यहां पर आ गई, तो यहां पर बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी का। कितना सरल है, एक ही बात है, इधर ओपनिंग असेट्स हैं तो इधर ओपनिंग क्या हो गई? लाइबिलिटी हो गई, ठीक है। अब ओपनिंग असेट्स में कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? देखो सबसे पहले तो एक चीज हो सकती है क्या? स्टॉक, ये मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज हो सकती है कैश। तीसरी चीज हो सकती है डेटर्स, इसको लिखा तो डेबिटर्स से जाता है, DEBITORS डेटर्स, लेकिन इसको बोलते हैं क्या मतलब डेटर्स, ठीक है। और क्या हो सकता है? अदर असेट्स, ठीक है। इतने जो अमाउंट है पांच चीजों को ढूंढ करके इनको अंदर ही डाल लिया जाता है और टोटल करके बाद में कहां बाहर कर दिया जाता है। क्या कठिन है यार, केवल क्या हमें जो भी हमें पेपर मिलेगा हाथ में उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी असेट्स हैं दी हुई, ठीक, बस उनको देख लेना है। यहां पर स्टॉक आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक करके दिया हुआ होगा, ठीक है, स्टॉक आ जाएगा, कैश आ जाएगा, डेबिटर्स आ जाएंगे, और अदर असेट्स जो पिछले वर्ष की बची हुई हैं वो इस वर्ष में आकर के क्या बनती हैं? ओपनिंग बैलेंस बनती हैं। अच्छा इधर क्या हो सकते हैं? लायबिलिटी क्या हो सकती है? क्रेडिटर्स हो सकते हैं। क्रेडिटर्स माने होते हैं लेनदार, ठीक है, हिंदी में समझे तो ये लेनदार होते हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, और आउटस्टैंडिंग यानी किसी का पेमेंट करने के लिए रह गया हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं,
ठीक, जैसे वेतन है, ये सब चीज़ें, इनको जोड़ करके इधर बाहर कर देते हैं। तो क्या कठिन है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, पहला हमारा जो पॉइंट है वो इस तरह से पूरा हुआ। दूसरे नंबर पे, ठीक है, अब भैया जब बिजनेस चलाएंगे तो एक तो संपत्तियों के साथ हम चलाएंगे, दूसरा जो माल खरीदेंगे बेचेंगे वो यहाँ पर हमें भेजा जाता है। तो यहाँ पर टू गुड्स, बहुत जगह सप्लायर लिखा हुआ होता है, बहुत जगह सेंट लिखा हुआ होता है, दोनों का मतलब यही एक ही होता है, ठीक है। टू गुड्स सेंट या सप्लाइड टू ब्रांच, भैया हेड ऑफिस ने जितना माल ब्रांच को भेजा है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है दूसरे पॉइंट में, ठीक है। पहले में असेट्स, दूसरे में जितना माल भेजा है आपको ब्रांच में जितना हेड ऑफिस ने भेजा है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भेजा है माल उसमें हो सकता है कुछ खराबी हो, कुछ कमियां हो, तो उसमें से अगर ब्रांच वापस करती है तो बाई गुड्स सेंट बाई ब्रांच, यहां पर लिख दे रहे हैं हम हिंदी में वापसी माल, यानी कुछ माल अगर खराब है वो वापस किया है तो वो उधर से वापस हो जाएगा, भेजा तो इधर और वापस किया तो उधर, ठीक है। कितना सरल है, अभी तक तो कोई टफ लगा नहीं होगा। ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, जितना माल भेजा ब्रांच के लिए यहाँ पर लिखा गया और ब्रांच ने वापस कर दिया तो उधर लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर तीसरे नंबर पे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस पेड बाई हेड ऑफिस, पेड बाई एचओ लिख दे रहे हैं। अगर भाई जो मुख्य कार्यालय है कभी कभी वो भी खर्चा ब्रांच के चुका देता है, तो ब्रांच के खर्चे अगर हेड ऑफिस ने चुकाए हैं तो भैया देखो माल भी हेड ऑफिस भेज रहा है और खर्चे भी जब हेड ऑफिस भेज रहा है तो इधर ही तो आएंगे, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो हेड ऑफिस ने अगर खर्चे चुकाए तो यहाँ पर, और भाई ब्रांच जब चल रही है माल बेचेगी और वो जब हेड ऑफिस को पैसे भेजेगी वो उधर आ जाएगा। बाई कैश सेंट बाई ब्रांच, यानी ब्रांच ने जितना कैश सेल की हो, ठीक है, कैश सेल से मिला हो या कहीं से भी पैसा मिला हो, डेटर्स से मिला हो, कहीं से भी मिला हो, वो पैसा यहाँ पर आ जाता है कैश सेल और प्लस किन से, डेबटर्स से, यानी देनदारों से, दोनों से मिला हुआ पैसा यहाँ पर भेज दिया जाता है। तीन पॉइंट हो गए, चौथे में डन हो जाएगा। और चौथा बहुत ही सरल है, कुछ है ही नहीं। क्या हो सकता है चौथे में, यहाँ पर चौथे नंबर पे हो सकता है टू कौन सा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी, ठीक, जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस था वही यहाँ पर आ गया कौन सा बनके, क्लोजिंग बैलेंस। अब तो दो ही बातें रह गई, चौथी भी नहीं रही, जो क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वहाँ थे वो ही चीज़ें आपको समझनी है, बस क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग। बहुत बच्चे तो हमारी यही वीडियो जो हमारे क्लासेस चलते हैं उनमें यही वीडियो देख करके हिम्मत बांध लेते हैं, बोले हाँ 100% सर जी अब मैं न्यूमेरिकल कर दूंगा। तो मैं भी उनको बताता हूँ कि ये तो मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल जब आओगे तो मैं धीरे चलूँगा, आप बहुत तेज़ी से, बस इसी फॉर्मेट को बुक में देखना बहुत कठिन होगा, बुक में दूसरे तरीके से वहाँ से दिया हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग, ये दोनों चीज़ों को आप क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे। अब भैया जब इधर का इधर आ गया तो ये वाली भी तो इधर को ट्रांसफर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर बाई कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ किसका, असेट्स का, जितनी यहाँ पर हैं जितना स्टॉक बचा हो, ठीक। अब कौन सा, क्लोजिंग वाला देखा जाएगा, जितना हमारे पास में कैश हो, जितने हमारे क्या रह गए हों, डेटर्स रह गए हों, और जितनी कोई अदर क्या असेट्स, ठीक, इन सब को अंदर लिख करके और जोड़ करके बाहर लिख देना है, यहाँ पर टोटल कर देना है, ठीक। ये जो टोटल होगा आपको हो सकता ना दिखे, थोड़ा ऊपर करके कर दूँ, ये टोटल यहाँ कर दिया जाता है और वो ही टोटल ला करके यहाँ लिख दिया जाता है, ठीक। उधर का टोटल ज़्यादा होगा, यहाँ पर आ जाएगा टू पी एंडल अकाउंट ब्रेकेट में लिख दोगे प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है वो यहाँ से दर्शा जाएगा। ये फॉर्मेट ही नहीं, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। तुम्हें इतनी चीज़ें ही तो ढूंढनी है भाई, ढूंढने तो आठ हैं लेकिन चालाकी से अगर करोगे तो चार ही चीज़ें ढूंढनी होंगी, और चालाकी का और अच्छी सी बुद्धि का इस्तेमाल कर लोगे और हमारी ट्रिक का इस्तेमाल कर लोगे तो कुछ बचता ही नहीं है। ओपनिंग असेट्स, क्लोजिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, माल भेजा, माल वापस किया,
और नगद बिक्री की, पैसा वापस और पेमेंट कर दिया, तो यहाँ से इसमें बचा क्या है, ये तो सब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि इतने धीरे हमने समझाया। इसी तरह से हमारे यहाँ पर सारे न्यूमेरिकल सिखाए जाते हैं। और एक चीज़ है, गारंटेड मैं बताता हूँ, हमारे सिद्धांतों का अगर पालन कर लिया तो एक भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता, और ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दोगे। इस तरह से हमारे यहाँ पर तुरंत पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, ज़रूर इसको दोस्तों में शेयर करिएगा, और हमारे लिए कमेंट तो बनता ही है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला रहे हैं, और आपके लिए बेहतर से बेहतर हम क्या नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए आपको बताएं, यहाँ पर मैंने अभी तक नंबर नहीं दिया है, 9719811101 ऑफिस का व्हाट्सअप नंबर है, इसके थ्रू आप नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।